सो फाइनली गाइस, अभी आपने रियलमी या 3.0 का जो लेटेस्ट वर्जन अपडेट है वो अपनी डिवाइस के अंदर होप करता हूँ कि कर लिया होगा। अभी गाइस यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ वॉइस चेंजर फीचर को कैसे एनेबल किया जाता है रियलमी या 3.0 अपडेट करने के बाद, एंड यहाँ पे आप जो है गेम टूल किट को कैसे एनेबल कर सकते हो बिल्कुल ईजी स्टेप्स के साथ। सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे और आप जो गेम टूल किट को एनेबल कर पाओगे। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पे आपको बताते हैं जो फुल प्रोसेस, छोटा सा वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पे मैं होप रखता हूँ, मीन्स के होप करता हूँ, सॉरी एम रखता हूँ यहाँ पे 200 लाइक्स का, 200 बोलने वाला था, यहाँ पे 200 लाइक्स का है, मैं जल्दी से कंप्लीट कर दो। अगर आपने यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन अपडेट नहीं किया अपने रियलमी यू 3.0 आप डिवाइस के अंदर, होगा सबसे पहले आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही जाओगे आप जाओगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, यहाँ पे ऐसा कुछ खुलकर आएगा, आपको यहाँ पे सिंपली ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आपको फाइल्स वाले सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पे आपको जो गेम्स एप्लीकेशन का जो लेटेस्ट वर्जन है ना, यहाँ पे जो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अपडेटेड हुआ था वो लिंक यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया। डायरेक्टली आप यहाँ पे 27 MB के साथ जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, मींस के अपग्रेड कर सकते हो लेटेस्ट वर्जन के ऊपर अपनी गेम स्पेस को या फिर गेम्स एप्लीकेशन को। उसके बाद देन यहाँ पे आपको बताता हूँ रियलमी 3.0 के अंदर आपको गेम्स एप्लीकेशन के अंदर कैसे गेम टूल किट को एनेबल करना है, एंड वॉइस चेंजर फीचर आपका ऑटोमेटिकली जो है उसके अंदर एनेबल हो जाए। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जो गेम्स एप्लीकेशन जो देखने को मिलेगा डिफॉल्ट यहाँ पे आपके डिवाइस के अंदर, यहाँ पे जैसे ही आप टैप करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। यहाँ पे सिंपली आपको जो 2 ऑप्शंस यहाँ पे आपको स्लाइडर देखने को मिलेंगी, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक्सप्लोर एंड गेम्स की जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आपकी गेम्स जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे शो करेगी, एंड ऐड गेम्स स्विच लेआउट यहाँ पे सेटिंग की ऑप्शन है। सेटिंग के अंदर जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन ही देखने को मिलता है गेम टूल किट का, ये यहाँ पे जो है डिसेबल रहेगा। आपको यहाँ पे इसको जो क्या करना है, यहाँ पे आपको एनेबल कर देना है, इजीली आपकी जो गेम टूल किट है वो एनेबल हो जाएगी। इसके बाद देन यहाँ पे बात आती है टेस्टिंग की, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ प्रोसेस, मींस के टेस्ट करके दिखाता हूँ यहाँ पे वॉइस चेंजर फीचर के साथ। तो यहाँ पे मैं कुछ भी वीडियो के अंदर स्किप नहीं करना चाहता। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक गेम है फ्री फायर, तो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था क्योंकि उसका जो है आपको पता है वो बंद हो गया था। अभी यहाँ पे जो है आपको सिंपली क्या करना है, स्लाइड इस यहाँ तो आपके लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड, यहाँ पे कोई भी आपको गेम ओपन कर लेना है, एंड देन यहाँ पे आपका जो गेम टूल किट आप चेकआउट कर सकते हो कि एनेबल हो चुका है, एंड यहाँ पे आपको जो वॉइस चेंजर की ऑप्शन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वॉइस चेंजर को आपको टैप करना है एंड कंटिन्यू करना है, एंड यहाँ पे हाई या डीप आप वॉल्यूम सेलेक्ट कर सकते हो जिस टाइप का भी वॉल्यूम आप रखना चाहते हो। उसके बाद देन यहाँ पे आप वॉइस चेंजर फीचर यहाँ पे जो है ट्राई कर सकते हो, आप अपने हिसाब से जो भी यहाँ पे टाइप चूज़ करना चाहते हो, एलियन की वॉइस, जायंट की वॉइस, रोबोकॉप की वॉइस, जो भी आप चूज़ करके यहाँ पे रखेंगे वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपनी गेम के अंदर। तो ऐसे करके आप वॉइस चेंजर फीचर को एनेबल कर सकते हो अपने जो गेम टूल किट को एनेबल करके। ये था एक सिंपल सा छोटा सा वीडियो, होप करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको रियलमी 3.0 का अपडेट अभी तक नहीं मिला तो यहाँ पे गाइस चैनल के साथ बने रहिए, स्टे ट्यून रहिए, जैसे आपके लिए आपके डिवाइस के लिए जो अपडेट है वो आता है मैं आपको जरूर से बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में अपने डिवाइस का नाम मेंशन कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।